सब्सक्राइब करें आराधनास कुकिंग शो को और दबाएं बेल बटन मेरी बनाई गई रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा गोलगप्पा। आइए देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 250 ग्राम रवा या सूजी, 60 मिलीलीटर रिफाइंड ऑयल, पानी ज़रूरत के अनुसार और 1/4 चम्मच नमक। सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में सूजी को निकाल लेंगे और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम नमक डाल देंगे और पानी की सहायता से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि आपका डो गीला हो, सख्त ना हो। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी गीले कपड़े से ढक देंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 20 मिनट बाद हम डो को कुकिंग स्टेशन पर निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसके बाद हम डो का एक छोटा हिस्सा ले लेंगे और उसे हाथों की सहायता से इस तरह से रस्सी का आकार दे देंगे और हम इसे चाकू से काट कर इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। अब हम एक छोटी लोई लेकर उसे हाथों की सहायता से यूं गोल कर देंगे और बेलन से बेलकर गोलगप्पे की पूरी तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे हुए आटे की भी पूरियां तैयार कर लेंगे। तलने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम गोलगप्पे की पूरियों को दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेक लेंगे। ध्यान रखें, जब आप गोलगप्पे की पूरियां तेल में डाल रहे हों तो गैस की आंच तेज हो और पूरियां डालने के बाद आप आंच को मीडियम पे कर दें। हमारी पूरियां सुनहरे रंग की हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।